हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो वीडियो है वो इंग्लिश में जो वर्कशीट के बारे में है। देखिए, जो नर्सरी के बच्चे के होते हैं उसके लिए मैंने वर्कशीट बनाई है, या फिर जो प्री स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं उसके लिए भी ये वर्कशीट यूज़फुल रहेगी। तो फिर चलिए, आज का वीडियो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट वर्कशीट है। मैंने ऐसा प्लेन पेपर लिया है, उसमें मैंने इस तरह से ये सभी अल्फाबेट्स राइट किए हैं, और उसमें एक हमें फ़न एक्टिविटी करनी है। देखिए किस तरह से हमें फ़न एक्टिविटीज़ करनी है। ये मैंने कुछ वेलक्रोस जो होते हैं उसको इस तरह से कट करके स्टिक किए हुए, और दूसरा जो हिस्सा होता है यहाँ पे मैंने स्टिक किया है सभी अल्फाबेट्स में। तो बच्चे को क्या बोलना है कि यहाँ से जो अल्फ़ाबेट्स मैंने लिखा है, सपोज़ कि ये ए है, तो बच्चे को यहाँ से ढूंढ के ए निकाल के, देखिए बच्चे को यहाँ से ए निकाल के फिर इसमें स्टिक करना है। देखिए, ये एन है, तो बच्चे को ढूंढना है कि एन, और इस वेलक्रो से ये इस तरह से स्टिक हो जाएगा। उसके बाद टी, तो बच्चे को यहाँ से ढूंढना होगा टी। ये एक्टिविटी बहुत एंजॉय करेगा बच्चा, क्योंकि ये जो वेलक्रो की वजह से इसको इस तरह से ये चिपक जाएगा। और सभी अल्फ़ाबेट्स को हमें इस तरह से फॉर्म की एक्टिविटी करवानी है, ताकि बच्चे में जो अल्फ़ाबेट्स है वो बच्चा रिकॉग्नाइज करना सीख जाए कि इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। इस तरह की हमें ये फन एक्टिविटी पहले करवानी है बच्चे को फोर्स की वर्कशीट के थ्रू। उसके बाद मैंने ये जो दूसरी वर्कशीट बनाई है इस तरह की बनाई है कि ज्वाइंट द डॉट्स, बच्चे को बोलना है कि सभी डॉट्स को ज्वाइंट करना है, बट किस तरह से अल्फ़ाबेट्स जो अल्फ़ाबेट्स है उसको सीक्वेंस में ज्वाइंट करनी है। देखिए, मैंने डोगो का ड्राइंग किया हुआ है। तो देखिए, यहाँ से ए स्टार्ट होता है, ए से बी, बी टू सी, सी के बाद कौन सा लेटर आएगा डी, डी के बाद कौन सा लेटर आएगा ई, ई के बाद एफ, उसके बाद जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, N, O, P, बस हमें सभी डॉट्स को इस तरह से ज्वाइंट करना है ताकि ये डॉग का जो पिक्चर है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद यहाँ से जो बाकी हुई है Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, देखिए ये डॉग का पिक्चर पूरा का कंप्लीट हो गया। बस इस तरह से हमें बच्चे को डॉट्स के थ्रू हमें अल्फ़ाबेट्स को सीक्वेंस में किस तरह से ए आता है, उसके बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है, वो हमें बच्चे को सिखाना है, ताकि जब बच्चा अल्फ़ाबेट्स में जो मिसिंग लेटर है वो करना स्टार्ट करे तब बच्चे को समझ में आ जाएगा कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। बस हमें इस तरह से डॉट्स थ्रू हमें बच्चे को अल्फ़ाबेट्स कराने हैं। आप कोई भी पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने डॉग किया है, तो आपको जैसा भी पेंटिंग आए तो उस तरह से आप बच्चे को डॉट्स के थ्रू आप एक्टिविटी आपको दे सकते हैं। उसके बाद मैंने जो दूसरी शीट बनाई है वो सभी अल्फ़ाबेट्स की वर्कशीट हमें बनानी है बच्चे के लिए। देखिए इस तरह से कि मैंने ये ए बनाया है, ऐसे क्या स्टार्ट होता है तो कि एप्पल, एप्पल का मैंने पिक्चर यहाँ पे पिक ड्रॉ किया है ताकि बच्चे को समझ में आए कि एफ और एप्पल होता है। देखिए, जब भी आप बच्चे को एबीसीडी बुलाए तो उसको फोनिक्स के साथ ही बुलाना, ताकि बच्चा जो है वो छोटे छोटे जो स्पेलिंग्स है वो जब रीडिंग करना स्टार्ट करेगा तो वो बच्चा इजीली वो रीड कर सके। तो उसको मेक श्योर कि आपको फोनिक्स के साथ ही बच्चे को एबीसीडी बुलानी है। देखिए किस तरह से, तो हमें क्या करना है कि बच्चे को बोलना है कि चलो इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करो स्लांटिंग, उसके बाद ये दूसरी बार स्लांटिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन, एफ फॉर एप्पल, अ, इस तरह से हमें बच्चे को बुलाते हुए लिखाना है। उसके बाद जो ये दूसरा भी हमें ट्रेस करने को बोलना है, ये मैंने कुछ ए ट्रेस करने के लिए रखा है। देखिए इस तरह से सभी ए बच्चे को ट्रेस कराने हैं हमें। इस तरह की आप सभी लेटर्स के लिए ऐसी वर्कशीट आप बना सकते हैं।
आपको बी से बनाना स्टार्ट होता, तो यहाँ पे आप बनाना का भी पिक बना सकते हो और यहाँ पे बी लिख सकते हैं। उसके बाद इस तरह से हमें बी लिख के बताना है बच्चे को। उसके बाद मैंने ये ड्राइंग किया है, बच्चे को क्या करना है, बच्चे को ए ढूंढ के वहाँ पे सर्कल करना है। किस तरह से, ये ए है तो बच्चा इस पर सर्कल करेगा, फिर ढूंढेगा कि कहाँ पे है, ये ए है, सी नो ए, जहाँ भी ये है वहाँ बच्चे को आपको सर्कल करने को बोलना है। इस तरह से बच्चे को ये एक्टिविटी करानी है ताकि बच्चा ए को समझ सके कि इसको ए बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें, मैंने ये दूसरी जो शीट्स बनाई है, किस तरह से कि कलर्स के अकॉर्डिंग बच्चे को सर्कल बनाने हैं, किस तरह से कि अभी जो मैंने ये रेनी सीजन चल रहा है तो मैंने इस तरह से अम्ब्रेला का ड्राइंग किया हुआ है, एक कल है वो अम्ब्रेला लेके इस तरह का मैंने ड्राइंग किया है। तो हमें क्या करना है कि बच्चे को ये कलर्स के कोड के अकॉर्डिंग सर्कल करने को बोलना है। किस तरह से, देखिए ये ए बी, बट ए बी है बट कौन से कलर का यूज़ करना है वहाँ पे, रेड कलर का। तो बच्चा यहाँ पे पिक करेगा, उसके बाद ए जहाँ पे है और बी वे है वहाँ पे रेड कलर का सर्कल बनाएगा इस तरह से, ए पर और उसके बाद बी पर, उसके बाद भी बी, ए है कहाँ पे, ए। बस इस तरह से हमें कलर्स के अकॉर्डिंग बच्चे को सर्कल करने को बोलना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चा जो कलर्स के साथ कोडिंग करना सीख जाएगा। उसके बाद सी और डी है, बट सी और डी में कौन से कलर का यूज़ करना है, ऑरेंज कलर का। तो बच्चा यहाँ से सी निकाले, सी पर ऑरेंज कलर करेगा और जहाँ डी है वहाँ पे भी ऑरेंज कलर करेगा। इस तरह से सी पर करना है, उसके बाद डी पर भी करना है। उसके बाद ई और एफ, उसमें कौन सा कलर का यूज़ करना है, ब्लू कलर का। इस तरह से ई पे ब्लू कलर करने का है, उसके बाद एफ पे ब्लू कलर, ई एफ, ई एफ। उसके बाद जी और एच पे कौन सा कलर का यूज़ करना है, येलो। जी पे येलो, जी पे येलो, एच येलो कलर का करना है, जी येलो कलर करना है। इस तरह से बच्चे को इस वर्कशीट का यूज़ कराना है आपको। उसके बाद मैंने ये दूसरी जो वर्कशीट बनाई है, बच्चे को ये वर्कशीट में मैच करानी है। किस तरह से मैं बच्चे को मैच करानी है, देखिए इस वर्कशीट से क्या होगा कि बच्चे की जो वोकेबुलरी है वो इंक्रीज होगी। देखिए ये कौन सा पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है, बच्चे को बोलना है आपको कि ये कौन सा बेटा पिक्चर्स है, एप्पल का। तो एप्पल का स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, ए से। तो इस तरह से बच्चे को मैच कराना है, एफ और एप्पल इस तरह से। उसके बाद क्या है, आइसक्रीम का पिक्चर ड्रॉ किया है, तो आइसक्रीम कहाँ से स्टार्ट होता है इनका स्पेलिंग, आई से। तो इस तरह से आई फोर आइसक्रीम आई। उसके बाद बॉल का पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है, तो बॉल का स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, बी से, बी फोर बॉल। तो बच्चे को यहाँ से बी फोर बॉल करना है। उसके बाद ये कौन सा है, फिश। तो फिश का स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, एफ से, तो एफ फोर फिश इस तरह से, एफ। उसके बाद डी, डी से क्या होता है, डक, डी फोर डक, ड। इस तरह से हमें बच्चे को ऐसा मैच कराना है। आप बच्चे के लिए सभी अल्फाबेट्स के लिए इस तरह से पिक यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और भी अल्फाबेट्स यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।